नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार मिश्रा। आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को जब भी हम परचेज कर लेते हैं, कोई भी परचेज का बिल हमने पूरा चढ़ा लिया, तो किसी कारणवश डिफेक्टिव प्रोडक्ट या फिर किसी कारणवश एक्सचेंज प्रोडक्ट मतलब करना है, तो आप कैसे प्रोडक्ट रिटर्न अप्लाई करेंगे, इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर प्रोडक्ट रिटर्न ऑप्शन पे आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे पीआर नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होता है, पीआर का डेट ऑटोमेटिक आता है। अगर आप डेट चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखेंगे कि कौन से बिल को रिटर्न करना है, उस बिल को आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा कि कौन कौन सा प्रोडक्ट इस बिल में है, तो उस प्रोडक्ट को सबसे पहले आप क्लिक करेंगे और जितनी क्वांटिटी में आपको रिटर्न करना है उतनी क्वांटिटी यहां से लगा देंगे। तो यहां पे आ जाएगा, देखिए क्वांटिटी वन, आप इस तरीके से आप यहां पे ऐड कर लिए। तो टोटल एक एक क्वांटिटी में हम इसको रिटर्न कर रहे हैं और यहां पर सेव बटन पे क्लिक करके सक्सेसफुली सेव कर लिए। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ से एक डेबिट नोट आपका बन जाता है, डेबिट नोट तैयार होता है। तो उस इसको बिल को प्रिंट कर डेबिट नोट को आप उसको आप उसमें पंचिंग लगा के आप रिटर्न भी आप भेज सकते हैं, जिस भी सप्लायर को आप रिटर्न भेजना है, ताकि आपको रिटर्न में क्या क्या जा रहा है, उसका क्या टैक्स है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। फिर उसके बाद अगर सारे के सारे रिटर्न की जितने भी रिटर्न की एंट्री किए हैं अगर उसको प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो आप गेट डाटा बटन पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर पूरे के पूरे रिटर्न का आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर से आप डेबिट नोट आप निकाल सकते हैं। दोस्तों, ईजी और आसान तरीके से आप रिटर्न आप परचेज रिटर्न बना सकते हैं। अगर आपको इसमें स्टॉक देखना है अगर रिटर्न बनाने के बाद, तो आपके स्टॉक में प्लस हो जाता है। देखिए ऑयल था, तो ऑयल अगर देखा जाए अभी प्रेजेंट टाइम अवेलेबल क्वांटिटी 13 दिख रहा है, इससे पहले 12 था। एक क्वांटिटी हमने अभी रिटर्न किया, तो यहाँ पे सॉरी अभी रिटर्न करते समय मतलब क्या होता है, माइनस होता है। रिटर्न जो भी आप करेंगे तो उसको माइनस हो जाएगा। पहले मतलब 14 था, अभी 13 हो गया है, ठीक है। तो रिटर्न करेंगे तो माइनस होगा, जैसे हम परचेज करते हैं तो स्टॉक प्लस होता है, जब भी सेल करेंगे तो माइनस होगा, सेल रिटर्न करेंगे तो प्लस होगा। तो इस तरीके से इन सब को आप इजी और आसान तरीके से आप काम कर सकते हैं।